हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड डायनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, जब किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, देखने को बहुत बार ये मिलता है जब पेशेंट OPD में आता है, और OPD में पेशेंट आता है, वो अपनी प्रॉब्लम को दिखाने आता है, वो बहुत सारे एक पुराने इन्वेस्टिगेशंस की थैली लेके आता है। पेशेंट जैसे ही डॉक्टर के पास बैठता है, वो सबसे पहले वो सारे इन्वेस्टिगेशंस रख देता है और डॉक्टर को बोलता है कि ये देखिए। दोस्तों, दिस इज द रॉन्ग मेथड्स। ऐसा नहीं, जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, फर्स्ट सबसे पहले आप जो है, अगर आप अपनी जो है बीमारी से रिलेटेड सारी बातें आपको पता है, तो आपको खुद को प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत बार, अगर कई बार क्या है कि जैसे बच्चे को दिखाने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो ब्रदर या जो भी अटेंडेंट हैं, उसको उन सब बातों का नॉलेज उससे रिलेटेड होना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आप जब किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो पहले आपको ये निर्धारित करना चाहिए कि जो मेरी प्रॉब्लम है, क्या मैं उससे रिलेटेड सही डॉक्टर के पास हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम कुछ और होती है और आप किसी डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं। उसके दो रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि अभी चलो दिखा लेते हैं, फिर बाद में किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको जो उसका स्पेशलिस्ट है उसी को दिखाना होता है, उसी को दिखाना चाहिए। सेकेंड, आपकी जो प्रॉब्लम है प्रेजेंटिंग, जो चीफ कंप्लेंट, आपको पेन है, तो पहले पेन को आपको वही बोलना होता है कितने टाइम से है और अभी आपको ये प्रॉब्लम है, इससे पहले कि फिर जो है आपको डॉक्टर को बात है वो उसके बाद में बतानी है। एंड इसके बाद जो आपके प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई जांचें हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। थर्ड, बहुत बार क्या है, अपनी बात पूरी डॉक्टर को जो है पूरी बताने के बाद में जब डॉक्टर बोलता है, तो पहले पूरी बात सुननी चाहिए। बहुत बार दोस्तों, पेशेंट अपनी पुरानी बात को लेके बैठ जाता है कि आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है, आपको जो है वो संक्षिप्त में, कम से कम समय में जो है आपको सारी बात डॉक्टर को बतानी होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत बार दोस्तों देखने को मिलता है कि कुछ हैबिट्स होती हैं पेशेंट की, अगर कोई अल्कोहल लेता है, कोई स्मोकिंग करता है या जो भी, बहुत बार क्या है डॉक्टर्स को नहीं बताता। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। जैसे अपन कहते हैं कि भाई डॉक्टर है, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पुलिस हो, आपको जो भी है वो पूरी बात आपको बतानी चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत बार जब आप नहीं बताते हो, कुछ मेडिकेशंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, हो सकता है उनका कोई साइड इफेक्ट और रिएक्शन है जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों, डॉक्टर की एडवाइस के बाद जो आपको टेस्ट बताए गए हैं, जो उससे रिलेटेड जो टेस्ट हैं, वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरे से जो बीमारी से रिलेटेड जो है वो ये टेस्ट जो है किस लिए अपने को जरूरी है। ये आपका राइट है, डॉक्टर्स की ड्यूटी है, और जो भी है उसको फॉलो करना चाहिए। वो सारे टेस्ट अपने को करा के और डॉक्टर को जो है वो आगे दिखाना चाहिए, जिससे आपका एक डायग्नोसिस प्रॉपर बने। लास्ट दोस्तों, बहुत बार पेशेंट को जब डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, मेडिसिन लिखने के बाद में जब पेशेंट 7 डेज बाद वापस आता है, तो पेशेंट कहता है साहब मैंने दवाई बंद कर दी थी, मेरे को क्या है उससे रिएक्शन हो गया, या मेरे को इससे जो है वो सूट नहीं किया, या पेशेंट का एक ओल्ड पेशेंट्स का बड़ा है कि दवाई गर्मी कर गई, वो बड़ी हैवी डोज आपको दे दी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, जो आपको डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया है, प्लीज़ उनको फॉलो करना चाहिए। एंड हो सकता है कि बहुत सारे साल्ट हैं, कोई साल्ट आपको नहीं सूट कर रहा, तो उसको आपको टेलीफोनिकली या मेल से या जैसे भी है वहाँ से कांटेक्ट करके अपने डॉक्टर से उसको चेंज करा लिया जाता है। ऐसे नहीं कि उसको 7 दिन तक कुछ भी नहीं लिया, नहीं तो आपको क्या है, आपके जो है मेडिकेशंस का जो है वो आराम नहीं मिलेगा। एंड ये एक मिथ है कि जो है उससे गर्मी हो गई या हैवी डोज दे दिया। दोस्तों, हर मेडिसिंस का एक अमाउंट होता है, जो डॉक्टर जो है वो पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके और एक जो है एवरेज
आदमी का जो वेट 50 किलो का है, अडल्ट आदमी का है, वो कैलकुलेट करके उसको डोज दी जाती है। उसमें हाई डोज या लो डोज ऐसा नहीं होता है, बट अमूमन कुछ मेडिकेशन से कोई 500 mg है, वही 1 ग्राम है, या कोई जो है 5 mg की है। तो जो हाई जो 500 या 1 ग्राम है, वो पेशेंट को लगता है इट्स द हाई डोज, यानी ये गर्मी कर सकती है। सो ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू, बिकॉज आपको जो है अच्छे से कंसल्ट करना, अच्छे से उसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, एक अच्छा डॉक्टर और पेशेंट, जब ही कोई भी डिजीज जो है वो ठीक हो सकती है, अच्छे डॉक्टर के साथ पेशेंट्स को भी अच्छा होना चाहिए। एंड आपका जो राइट्स हैं, आपका जो आपके डिजीज से रिलेटेड जो आपके पेपर्स हैं, आपके जो प्रेस्क्रिप्शन हैं, उनको आगे फ्यूचर के लिए आपको संभाल के रखना चाहिए। थैंक यू।